Moving ahead, I would like to invite Dr. Arun Kumar Bhagat. He is a professor, journalist, and a writer. He has been a professor in Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Noida campus. He has 10 years of experience in the field of reporting and editing in Hindustan, Amar Ujala, Dainik Bhaskar, etc. He has many research papers onto his credit too. Sir, I invite you to kindly come on the podium and say a few words, please. आज का विषय बड़ा ही प्रासंगिक है. भारतीय राजनीति और मीडिया की भूमिका विषय को अगर देखें तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, यानी 1947 के पहले और 1947 के बाद, इन दो भागों में इसको बांटा जा सकता है. आज़ादी के पहले, यानी 1947 के पहले की जो पूरी पत्रकारिता है, उसमें की जो पूरी राजनीति है, वह इस बात पर टिकी हुई है कि देश को स्वतंत्र करना है और इसी के इर्द गिर्द सारी पत्रकारिता हो रही है. पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में अख्तियार किया जाता है और देश स्वतंत्र हो इसके लिए सारे राजनेता, पत्रकार सब चेष्टा करते हैं और अपने अपने तरह से उसके लिए प्रयास करते हैं, दिखते हैं. आज़ादी के बाद के कालखंड को अगर देखें तो उसको मोटे तौर से तीन भागों में बांट सकते हैं. एक तो भारत का जो जब स्वतंत्र हुआ भारत 1947 के बाद से लेकर लगभग 20 वर्षों तक का जो कालखंड है वह नवनिर्माण का कालखंड है, पुनर्निर्माण का कालखंड है, देश के उत्थान का कार्यकाल है. उसके बाद का एक कालखंड आपातकाल की पत्रकारिता का कालखंड है और फिर बाद में उदारीकरण के बाद के कालखंड की भी एक पत्रकारिता है. राजनीति की दृष्टि से अगर देखें, विचार करें तो भारतीय पत्रकारिता 1947 के बाद एक ऐसे पड़ाव पर आकर ठहरती है जहां वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को खंडित करने की चेष्टा की जाती है. आप सबको पता होगा भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1952 में हुआ है और ऐसे व्यक्तित्व के कार्यकाल में हुआ है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी के समय बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं. ऐसे व्यक्तित्व के कार्यकाल में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ. दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारत के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कम किया गया. वस्तुतः भारतीय संविधान में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वह 19(1)(a) में है और वह एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. जिसकी संख्या 5 थी उसे बढ़ाकर 8 कर दिया गया भारत के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से. अमिताभ जी ने उस पर विस्तार से बातचीत की है कि स्वाधीनता संग्राम के बाद 1975 में जो इमरजेंसी लगी उस समय कैसे राजनीति का क्या स्वरूप था और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस तरह से अंकुश लगा था. 1,10,000 लोग जेल की सीखों में बंद थे. जितनी गिरफ्तारियां 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी उतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई थी जितनी गिरफ्तारियां 1975 में इमरजेंसी के दौरान हुई थी. पत्रकारिता का वस्तुतः जो उद्देश्य है वह लोक कल्याण है और लोक हित है. पत्रकारिता के माध्यम से समाचारों, विचारों और भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के पीछे जो भाव है वह लोक मंगलकारी भाव ही है, वही चिंतन है. इसलिए पत्रकारिता की प्रतिष्ठा समाज जीवन के नियामक के रूप में हुआ है,
जिसे रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी कहते हैं। सेवावृत्ति संस्कार पत्रकारिता के प्राण तत्व हैं और सत्यान्वेषण सत्य की खोज पत्रकारिता का दायित्व है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पत्रकारिता और कुछ नहीं अपितु तथ्यों के माध्यम से सत्य तक पहुँचने की यात्रा का नाम ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता का युग धर्म है कि समाज जीवन में जो सत्य है उसकी विवेचना की जाए, उसकी खोज की जाए। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि वह समाज जीवन की घटनाओं से संबंधित जो तथ्य हैं उसको अभिव्यक्त करे। वस्तुतः पत्रकारिता जानकारियों, सूचनाओं और विचारों की ऐसी मर्यादित अभिव्यक्ति का नाम है, उसका ऐसा संप्रसारण है जिससे जनकल्याण होता है। पत्रकारिता के संबंध में तीन बातें उसके उद्देश्य के संदर्भ में मुख्य बातें कही जाती है, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू इंटरटेन, सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। भारतीय लोकतंत्र को अगर देखें तो भारतीय लोकतंत्र को चलाने के लिए जो तीन स्तंभ हैं, तीन अंग हैं, उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इसी के द्वारा लोकतंत्र संचालित होता है। पत्रकारिता का धर्म है कि वह तीनों अंगों के कार्यों की समीक्षा करे, उसका मूल्यांकन करे, लोकहित के मुद्दे पर टिप्पणी करे। इन्हीं अर्थों में पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है। यह कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है, ये लोक मान्यता है। मुझे लगता है कि लोक मान्यता से बड़ी इस धरती पर, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर भारत के लोगों ने पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ के रूप में लोक मान्यता दी है तो यह उसका धर्म है कि वह राजनीति को दिशा दे। पत्रकार को राजनीतिक प्रतिबद्धता से निर्लिप्त होने की आवश्यकता है। यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष उसकी मांग है, किंतु पत्रकारों की प्रतिबद्धता अगर पक्ष अथवा विपक्ष में हो जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मंच पर के जी सुरेश जी विराजमान हैं, वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि पत्रकारों का एक ही पक्ष है, वह है लोक पक्ष। सामान्य जीवन, जनजीवन का जो पक्ष है वही पत्रकारों का पक्ष होना चाहिए। सत्ता की तानाशाही प्रवृत्ति को रोकने के लिए विपक्ष का अस्तित्व आवश्यक है, लेकिन पत्रकार अगर स्वयं विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने लगे तो यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पत्र पत्रिकाओं का यह दायित्व है कि वह पीड़ित, प्रताड़ित और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, उसकी आवाज़ को बुलंद करे। पत्रकार का यह धर्म है कि वह विपक्ष की जायज मांगों को बुलंद करे, उसकी मांगों को उठाए, किंतु स्वयं विपक्ष की आवाज़ बनकर अथवा उसके अभाव की पूर्ति अगर स्वयं करते हैं पत्रकार तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन्हीं अर्थों को अगर देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि ज़्यादातर पत्रकार पक्षकार की भूमिका में नज़र आते हैं। पत्रकार को किसी पार्टी विशेष के का हथियार और औजार समझा जाने लगा है, इससे पत्रकारों को बचने की भी आवश्यकता है। पत्रकारों की राजनीतिक प्रतिबद्धता से समाचारों की जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, वह समाप्त होती है, खंडित होती है। इससे पत्रकार अपना स्वत्व और महत्व ये दोनों खो रहा है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, इतना अवश्य है कि पत्रकार को अगर लगता है कि स्वयं के विचार व्यक्त करने हैं तो उसके लिए समाचार पत्र में एक पृष्ठ निर्धारित है और वह संपादकीय का पृष्ठ है, वहाँ अपने विचार पत्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पत्रकारिता राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का एक ब्रह्मास्त्र है, उससे राष्ट्र प्रेरणा ग्रहण करता है। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किंतु आज जब हम टेलीविज़न को देखते हैं और उस पर राजनीतिक मुद्दे पर जो बहस होती है
तो बड़ा दुख होता है, बड़ी निराशा होती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे पूर्वोत्तर का, आतंकवाद का मुद्दा हो अथवा अलगाववाद का, सेना के शौर्य का मुद्दा हो अथवा उनके बलिदान का, सर्वत्र राजनीति हावी होता हुआ नजर आ रहा है। सेना से सबूत पूछे जा रहे हैं। पिछले दिनों में एक व्हाट्सएप पर समाचार देख रहा था, बड़ा अच्छा लिखा, बहुत अच्छा उत्तर दिया वो उन सबूत मांगने वाले लोगों को। उसमें कहा कि लाशों की गिनती के लिए ऐसे ही नेताओं को वहाँ साथ लेकर जाना चाहिए जो उसकी गिनती कर सके कि कितने लाश, कितनी संख्या है उसकी। मुझे लगता है कि देश की जो राजनीति है उसमें राष्ट्र सर्वोपरि है, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, और आज के पत्रकारों को राष्ट्र सर्वोपरि है यही मानकर पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारिता का धर्म रुचि का परिष्कार भी है। पाठकों में रुचि वैविध्य होते हैं, पाठक समूह की किसी विशेष रुचि के नाम पर सामाजिक मूल्यों और मर्यादाओं के साथ और उसका उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की राजनीति दिग्भ्रमित हो रही है और पत्रकारिता का यह दायित्व है कि उसे सम्यक मार्गदर्शन दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर ए के श्रीवास्तव। ही इज हाई परफॉर्मिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल विद 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अकेडमिक्स, रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड कॉर्पोरेट experience and expertise in building and optimizing organizational processes, management systems and infrastructure to maximize business results in academic institutions as well as industry. He is presently working with us as CE Academics and Development. I request you, sir, to kindly come on the stage and say a few words, please. Good afternoon. Well, I welcome today the dignitaries on the dais, Dr. K.G. Sureshji, Honorable Chief Guest of the Day, Dr. Manoharji, Mr. Arunji, Dr. Amitabhji, my colleague Dr. Rathore, Director, Dr. Sanjay Srivastavji, who is the convener of this conference. Well, it was a very good start by all the dignitaries on the dais, and still I am waiting for a wonderful deliberations and the vision of our chief guest of the day, Dr. Sureshji, on the day. You see that media, if I look into from the Indian politics or a politics to the level of international, going back to the presidential elections of Obama and Trump, media has played a very vital role in that way. And we all remember, not in India, but abroad in the country, advanced countries like US, in one of the press conference, Mr. Trump has ask one very leading news channel correspondent to leave the conference space. So, in my view, if this thing can happen in America in such an advanced stage and this advanced country, and in India, it is definitely as viewed by all the guests of honors, including Dr. Amitabhji, that our media is divided in between pro-party lines and defending the other side of the opposition. What's the problem in that? The problem is if you just go and view in the evening different news channels, you can find that how Aaj Tak is reporting, how
NDTV is reporting, how News 18 is reporting, how ABP News is reporting, and including the anchors on the various channels. If you just keep on following them up, you will find that either they are pro or they are putting up with a different opinion. In my opinion, what media does is a connect between the citizens of India as well as the government policies vis-a-vis pro and opposition views on that. Well, friends, election has just started up. Our one of the guests has told that we cannot calculate the dead bodies of Pulwama attack, which we had done as a counter-terrorism in Balakot. But if you just visit the various news channels, a couple of days back, a very senior leader of the opposition party has used the word G against the terrorist. And next day in Gujarat, he has taken back and repeated the same word number of times just to show to the audience that no, we are against of what we call of the decency and the bhasha ki maryada. Ab usi bhasha ki maryada pe baat karein, to shayad abhi bahut kam samay hua ek leader, ek party ki, unhone pehla apna bhashan Gujarat mein diya, wahan bhasha ki maryada rakhi gayi. To jab hum मीडिया की बात करते हैं तो वो चीज़ें जो कि भाषा की मर्यादा या हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिटोरिएट करता है, उस पर मैं सोचता हूँ कि शायद मीडिया को भी अपना नियंत्रण रखना चाहिए ताकि एक रॉन्ग मैसेज एक आम सिटीजन पे ना कम्युनिकेट हो. मैं इसकी डिबेट नहीं करना चाहता कि कौन नेशनलिस्ट है और कौन नेशनलिस्ट नहीं है, कौन वंदे मातरम गा सकता है, कौन वंदे मातरम नहीं गाता, या कौन भारत माता की जय बोलता है, कौन नहीं बोलता. दिस इज ऑल इश्यूज बीन क्रिएटेड बाय द हाइप ऑफ मीडिया. आप मोदी जी की, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच बिफोर बिकमिंग द सीएम ऑफ गुजरात अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, फेसबुक पे है. यू जस्ट लिसन दैट. और वही मोदी जी की आज स्पीच है. यू विल फाइंड द डिफरेंस. During, I think, 2009 or some election in Gujarat, it was a slogan, Maut ka saudagar. It has hype has been created, resulting into vote percentage getting into the favors. Now, what our politicians are doing, they are trying to create a hype through media to generate votes because of the politics in our favor. और इसी संदर्भ में मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है, शायद अमिताभ जी को भी याद होगी. एक कॉलेज के सभागार में इसी तरह बैठे हुए थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स थे. तो हम लोग ऐसे पूछा मैंने कि आप जर्नलिज्म के मास्टर्स प्रोग्राम में क्यों आपने एडमिशन लिया, आपका आप क्या सोचते हैं भविष्य में पत्रकार जर्नलिज्म जो है आप किस रूप में आगे जाएगा. तो उस स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि सर, मैंने तो जर्नलिज्म में एडमिशन सिर्फ इसलिए लिया है सो दैट आई कैन हैव ए टिकट टू फाइट ए इलेक्शन फॉर द एमएलए, बिकॉज दिस इज ए इजी वे, बिकॉज यू विल बी गोइंग टू द वेरियस लीडर्स फॉर द इंटरव्यू एंड यू विल हैव ए कनेक्ट. आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ दिन काम करने के बाद कि आप हमें टिकट दे दें. सो दोनों चीज़ों की, जर्नलिज्म में रोल ऑफ मीडिया आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लिंक कर रहा है. और हमारे स्टूडेंट्स जो कि शायद फर्स्ट टाइम वोटिंग इनमें से बहुत से लोग देंगे, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आज की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके उन्होंने एंड में केजी सुरेश जी के विचारों के बाद बहुत कुछ ग्रहण करने को मिलेगा. और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग हमारे चीफ गेस्ट की जो विजन है आप उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आपकी प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत की शुरुआत है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर.